नमस्कार। यूपीएसआई एएसआई बच्चों के लिए एक विशेष सूचना है जो इतने दिनों से मैं दे नहीं पा रहा था। सूचना यह है कि आप लोगों के लिए यूपीएसआई एएसआई दोनों, एक से आपका सिविल वाला और मिनिस्ट्रियल वाला, सारे के सारे वैकेंसीज के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर टेस्ट कब आप लॉन्च करेंगे, कब सारे आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो वो सारी चीजें बहुत, मैं आपको बता दूं कि आपका 50 से ज्यादा टेस्ट देने की बात की गई थी और वो 50 के 50 टेस्ट आपके अब लॉन्च कर दिए हैं, जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे के सारे टेस्ट होते चले जाएंगे, जिसमें आपके 7-8 सेक्शनल हो भी चुके हैं और प्रत्येक का डेमो भी आपके परीक्षा प्लस ऐप पे अपलोड हो गया है। मेन बात जो ये कहनी थी कि बहुत सारे बच्चे, करीब 500 से ज्यादा बच्चे जो एएसआई के कोर्स में जुड़े हैं, मिनिस्ट्रियल वाले बैच में जुड़े हैं, उनके कोर्स में कहना है कि सर मुझे सेक्शनल नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सेक्शनल नहीं मिल रहा है, सेक्शनल का टेस्ट कहां से दे। तो मैं उन्हें ये जानकारी बताना चाहूंगा कि जो आपका कोर्स था 599 वाला फुल कोर्स, उसमें आपको 10 टेस्ट देने की बात की गई थी, उसमें आपका सेक्शनल टेस्ट नहीं था, आपका ऑनलाइन क्लासेस थे, वीडियो क्लासेस, सारे के सारे प्रॉपर नोट्स थे और इसके अतिरिक्त आपको 10 टेस्ट की फुल टेस्ट की श्रृंखला दी जा रही थी। अगर आप सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हो तो सेक्शनल टेस्ट के लिए टीम ने एक अलग से ही आपके लिए प्रावधान कर दिया है कि आपका ज्यादा रुपए भी ना जाए, 75 रुपए में केवल 40 सेक्शनल टेस्ट आप वहां से परचेज कर सकते हो, जो इस कोर्स से आपका ये 599 वाला था उससे अलग है। ये बात आपको समझना है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, एक इंटरनेट चार्ज होता है, उसका सर्विस चार्ज, उसकी कॉस्टिंग हम लोग ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में नहीं था, पॉलिसी से अलग था, तो यहां पे हम लोग इस चीज को आपके लिए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में वो 40 के 40 टेस्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई बच्चा हमसे यूपीएसआई नागरिक पुलिस जो सिविल है या यूपीएसआई एएसआई मिनिस्ट्रियल कॉन्फिडेंशियल है, किसी से भी कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो हमारे दो कोर्सेस चल रहे हैं, यूपीएसआई का सिविल का अलग चल रहा है, यूपीएसआई और एएसआई कॉन्फिडेंशियल का जो मिनिस्ट्रियल है आपका गोपनीय वाला, उसका अलग बैच चल रहा है। इसकी प्राइस आपकी 999 है, जो रियल प्राइस आपकी 2000 है, कट करके 50% ऑफ करके 999 मिल रहा है, और इसकी प्राइस आपकी 999 जो 40% ऑफ करके 599 में ये कोर्स आपका उपलब्ध हो रहा है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं और 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अंतिम समय में, आप क्योंकि काफी समय हो भी चुका है, कोर्स भी काफी निकल चुका है, करीबन 2 बैचेस प्रॉपरली खत्म भी हो गए हैं, तो अभी बच्चे क्या ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट टीम परीक्षा प्लस की गुणवत्ता के बारे में आप बहुत पहले से जानते भी हो, और नहीं जानते हो तो मैं यहां पे एक झलक आपको दिखाना भी चाहूंगा कि गुणवत्ता कितनी काबिले तारीफ होती है और टेस्ट की जो क्वालिटी होती है। एक जो प्रश्नगत रणनीति, मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूं कि परीक्षा की सबसे प्रथम कुंजी जो होती है वो यही होती है कि आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो रणनीति आपकी पढ़ाई से लेके आपके कोर्स चूज करने से लेके आपके क्लासेस से लेके नोट से लेके आपके टेस्ट और टेस्ट के प्रश्नों और प्रश्न की व्याख्या तक आपकी रणनीति बनी होनी चाहिए, और छोटी छोटी रणनीति आपकी बड़ी रणनीति और बड़ी सफलता का भी रूप धारण करती है। इस बात की मानसिकता के साथ हम लोग इस टेस्ट को आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं, मैं आपको वो दिखाना भी चाहूंगा। लेकिन अगर केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, मैं टेस्ट सीरीज वाले का आपको बता दूं, बाकी आप जानते थे नहीं, अगर कुछ भी इसके अतिरिक्त जानकारी है तो नंबर दिए हुए 9450607 या 9129697080 किसी पे भी कभी भी आप कॉल कर सकते हो, तो आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं इतना बता दूं, 149 रुपए में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं और 40 आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट वो टेस्ट है जैसे आपका 4 सेक्शन और हर सेक्शन में 2-2 पार्ट है, आप ऐसे समझिए, जैसे हिंदी के साथ कंप्यूटर है आपका, मैथ्स के साथ मेंटल एप्टीट्यूड है, ऐसे आपका रीजनिंग के साथ आईक्यू और मानसिक अभिरुचि है, और आपका जो जीएस है और करंट अफेयर्स है, जी और करंट अफेयर्स, तो ऐसे हर सेक्शन का अलग अलग आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, कुछ विषयवार करवाई जाती है, कुछ मिक्स करवाई जाती है, ताकि आपका इस पर बहुत ही अच्छा एक जो पकड़ है वो बन सके, और इसका न्यूनतम शुल्क जो है बहुत कम रखा गया है, 300 रुपए की प्राइस है, लेकिन 50% फिर भी आप लोगों के लिए ऑफ कर दिया जाता है कि बच्चों के पे कोई ऐसा असर ना पड़े कि वो उस पर इतना पैसा ना दे पाए। 149 रुपए बहुत कम होता है, हम लोग के इंटरनेट चार्जेस भर का होता है और कुछ नहीं होता, ये बात आप समझ सकते हो पूरी गंभीरता और पूरी परिपक्वता के साथ। खैर, मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो टेस्ट है, तो जरूरी ये है कि आप टेस्ट की गुणवत्ता देखो, और मैं आपको थोड़ा टेस्ट की गुणवत्ता यहां पे दिखाने का प्रयास करना चाहूंगा। अगर आप ये देखो तो ये आपके सामने ये टेस्ट की फाइल है, और इसकी विशेषता क्या है टेस्ट की, मैं आपको बताता हूं। ये टेस्ट टेस्ट मात्र नहीं है, ये एक ऐसा, ये खुद समझिए खुद एक टीचर है, ये टेस्ट का हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा टीचर बन के आ रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे अभी मैं पहला ही प्रश्न आपका, सबसे पहला प्रश्न ले लूं कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है,
स्वीकार किया गया है। तो आपके पास चार विकल्प है, उसके बाद व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या देते हो, उसके बाद सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है अगर आप इसे देखना चाहो, है ना, एक मिनट, हाँ, अगर आप इसे यहां पे देखना चाहो, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको बताया जाता है कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, यह प्रश्न हिंदी और भारतीय भाषाएं टॉपिक से पूछा गया, टॉपिक बता रहा है, इस संबंध में समस्त नोट्स उपलब्ध कराए गए, ये भी बताया जा रहा है कि यहां आपको पढ़ना है तो कहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, इन प्रश्नों में गलतियां कहां नहीं करना है, कहां पे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कोर्स में आपको कितना बताया गया, और जब आपको टॉपिक बताया जाता है तो आपको लगता है कि हाँ सिलेबस के हिसाब से चीजें हमारी कवर होती चली जा रही है। यही नहीं, अगर आप देखो ये दूसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, यह प्रश्न भाषा अभिभाषा बोली एवं उपबोली के क्षेत्र में संबंधित है, इस बिंदु से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बता रहा है ये आपको टीचर बनके बता रहा है, इनमें भी खासकर बोली के क्षेत्र में संबंधित इन्हें याद करना आसान है क्योंकि ये भारत के राज्य क्षेत्र अनुरूप विभाजित है। हिंदी संभाग के सभी प्रश्न सही करने के लिए आपको विगत वर्ष से पत्रानुसार प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति अध्यायवार रणनीति बनानी होगी। तो ये एक टेस्ट जब आप देखते हो तो टेस्ट मतलब ये नहीं कि आप केवल क्वेश्चन दो और उसका सॉल्यूशन चेक करो आंसर, नहीं, टेस्ट ये नहीं होता, टेस्ट मतलब होता है आप टेस्ट दो, फिर उसे आप एनालिसिस करो कि कहां पे गलत हो गए आप, क्यों ये प्रश्न आपसे गलत हुआ, हुआ भी तो क्यों हुआ, और कैसे आप इसे पुनः सही कर सकते हो अगर दोबारा आपके सामने किसी और रूप में आता है तो, ये सारी बातें टेस्ट को बताती हैं। टॉपर से कंपैरिजन, टॉपर क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये आपकी रैंक क्या बन रही है, अगर आप 500 बच्चे के बीच में टेस्ट दे रहे हो तो आप कहां पे लाई करते हो, आपकी तैयारी कितनी पूर्ण है, कितनी अपूर्ण है, ये सारी बातें टेस्ट बताता है, प्रश्नगत रणनीति बताता है, और नॉलेज तो होता ही है, सारी की सारी व्याख्या टॉपिक होती है। तो अगर कोई बच्चा, जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से अगर आप टेस्ट के केवल क्वेश्चन करते हो, एक बार अभ्यास करते हो, फिर उसका आप व्याख्या देखते हो, आप पीडीएफ से उसे पढ़ते हो और उसकी रणनीति को समझते हो, तो आपका ये पूरा 2-3 साल जितना आप 4 साल तैयारी किए हो ना, वो एक झलक में आपके सामने आ जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। तो यही सारी बातें थी जो आपसे मैं जिक्र नहीं कर पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, समय का थोड़ा अभाव चल रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग के समक्ष किसी ना किसी रूप में मैं हमेशा आऊं और आप लोग की परेशानियां भी सुनूं और चीजों को समझूं और हमारे और आपके बीच के संबंध को इस और आपकी सफलता के लिए जितनी प्रतिबद्धता हमारे अंदर है उसे पूर्ण करते हुए हम लोग एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़े। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी समस्या होती है तो आप 9450006007 पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए आप 9450, हाँ यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 9450006007 या 9129697080, दोनों में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपको ये दोनों टेस्ट सीरीज या कुछ भी लेना है तो आप डायरेक्ट liveparikshaplus.org वेबसाइट से ले सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके और वहां से आप रजिस्टर करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।